ज्यादा नहीं ले भैया और राइट काट रही है, राइट काट रही है, राइट काट रही है। Getting hollow with smoking trees। दोस्तों नमस्कार, मैं डीजे अमरजी और नए वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आहोजे के स्पीकर थे मेरे वो काफी नुकसान हो चुका था। तो मैंने इसके विषय में कंपनी में बात करी थी, तो वहाँ जो मुझे क्वाइल पर्दा मिल रहे थे काफी महंगे मिल रहे थे, तो मैं काफी परेशान था। और साथ में कुछ दिन से मेरे दो चार वीडियो आप लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, जो एक नई गाड़ी टॉस वो काफ़ी अच्छी गाड़ी कंपटीशन गाड़ी जो चलती है, और जो मैंने एक वीडियो बनाया था बीड संदीप डीजे खागा वाले, तो हमारी उनसे बात हुई। वो भाई स्पीकर का भी काम करते हैं, नए बक्सा बना बेचते हैं, स्पीकर भी बेचते हैं, काफ़ी काम करते हैं। ऑलरेडी वो आहूजा कई सालों से यूज कर रहे हैं, तो जो उनके स्पीकर जल जाते हैं तो वो अपना खुद रिपेयर करते हैं और उनके पास ऑलरेडी सामान मिलता है। तो आज हम उन्हीं के शॉप में आए हुए हैं, तो आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं, ये संदीप भाई हैं। अभी तक आप लोगों ने डीजे देखा, हर चीज़ देखा, आज हम उस शख्स से मिलाते हैं जो उसके ओनर भी हैं, और साथ में कहा जाए तो उनके पूरे इनके पास कभी भी इनके पास आइए पूरा सामान इनके पास मिलता है। मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मेरे स्पीकर हैं ये वही स्पीकर हैं जो मैंने पहले का वीडियो आपको, अगर मेरे ये ऊपर चल रहा है इसमें आप क्लिक करोगे तो पिछला वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। संदीप भाई के हमारे स्पीकर में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपका भी वीडियो बच्चे मदद से स्पीकर फाइनल बच्चे को, क्योंकि रीजन हमारा ऐसा होता है कि जो हमारा यूट्यूब एक चैनल चलता है, मैंने आपके काफी वीडियो डाले हुए हैं, तो जो हमारी फैमिली है करीब करीब 20,000 हमारी फैमिली हो चुकी है यूट्यूब की। तो रीजन यह है कि मैं सिर्फ सच्चाई का सामना कराता हूँ, जो भी चीज़ बताता हूँ सच्चाई बताता हूँ। क्योंकि तो ये जब आपने कहा कि स्पीकर मेरे बजेंगे उसी क्वालिटी बजेंगे, बिल्कुल सेम बजेगा, ज़्यादा से 19-20 नहीं होगा, तो थोड़ा ये आप बता सकते हैं कि जिसके आप टेस्टिंग करके अगर ऐसे आप सुना सकें थोड़ा सा, अगर आपके पास कुछ हो तो, क्योंकि हमारा वीडियो लाइव चल रहा है इसमें, क्योंकि आपके वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं और साथ में जो लोग नए हैं वो भी देख रहे हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप डीजे लाइन से बैंड लाइन से आप लोग काम करते हैं, जरूरी होता है कि थोड़ा सीख लेना चाहिए अगर हम लोग इस बिजनेस में अगर उतरे हुए हैं, क्योंकि न सीख होने में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, काफी लोग फंसते हैं, काफी रुपए बर्बाद भी होता है। सफाई देख सकते हैं आप, ये स्पीकर की भराई क्वालिटी, ऊपर का जो इन्होंने प्लास्टिक यूज करी है वो बहुत ही अच्छी पसंद आई मुझे। ये एक सादा स्पीकर, अगर मेरे वीडियो में देख सकते हैं बाबरे, अगर आप लोग देख सकते हैं, हम है संदीप डीजे खागा वाले। आप लोगों ने देखा कि ये सादा स्पीकर है, अगर काफी आपने स्पीकर भरवाते होंगे, मैं नहीं कहता सब लोग अच्छे स्पीकर भरते हैं, हर अपना एक चॉइस अपनी एक पसंद होती है। अभी सादा स्पीकर वाब रेट चेक करते नहीं वो लोग, और कभी स्पीकर में जान लगा चेक नहीं करते, क्योंकि सादा स्पीकर चेक करने से ही क्वालिटी पता चल जाती है कि आपका स्पीकर कैसा बज रहा है। तो हमने आपको ये वाब रेट देखा, देखा बोतल वोतल गिरने लग गई थी। तो ये आहूजा LMB 500 वाट है, थोड़ा इसका मैं आपको क्लोजअप दिखा दूंगा जब मैं अपने घर पहुंचूंगा, जब बक्सा में इसको फिट करूंगा उसका भी आपको वीडियो अगर कहोगे तो आप नेक्स्ट वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। थोड़ी जानकारी हम करते हैं संदीप भाई से, थोड़ा संदीप भाई हमारे जो फैमिली है हैं तो बहुत दूर दूर की, हमारे पास नेपाल छत्तीसगढ़ बहुत दूर दूर की, वो आपके पास नहीं आ सकती तो मुझे पता है, मगर कभी हो सकता है कि आपके अगर स्पीकर या बक्से भी आप बेचते हैं कभी लेना हुआ शायद आपको संपर्क करें। मगर जो लोकल के लोग हैं, जैसे मानो कि कुछ दूर के मतलब जिले के जो लोग होते हैं, अगर वो परेशान है अपने स्पीकर को लेकर आपसे भराना चाहते हैं, तो यहाँ कैसे आएंगे वो कुछ अपना बता सकते हैं लोकल के लोगों के? हाँ, जैसे आपके पास आना चाहते हैं तो वो बस सीधा जीटी रोड बस स्टॉप खागा पहुंच जाए, तो ये फतेहपुर में ही आपका, फतेहपुर में, ये फतेहपुर जिला में है और खागा पड़ता तहसील है। फतेहपुर जिला में जो है तीन तहसील है, एक फतेहपुर है, एक बिनकी है, अगर मैं बात करूं एक खागा तहसील होती है, उसी खागा तहसील के पास इनकी शॉप है। और फिलहाल डीजे से सब लोग जानते होंगे, किसी से पूछेंगे संदीप डीजे खागा वाले, क्योंकि इन लोगों का जो काम है तो वैसे भी मेले में जो बड़ा बड़ा काम करते हैं, कंपटीशन में गाड़ी भी लगाते हैं, तो अक्सर सब लोग जान जाते हैं। आप अपने हिसाब से अगर स्पीकर के बारे में थोड़ी जानकारी दें कुछ अपने तरफ से,
स्पीकर के बारे में जानकारी ये देना है हमें कि जैसे अभी आपने स्पीकर का वीडियो बनाया था पिछली बार, जी जी, स्पीकर रिपेयर कराया आपने, जी जिसमें कुछ क्वालिटी, हाँ वो तो सही सामान न लगने की वजह से, सही सामान न लगने के कारण लोग जो है अपने पुराने स्पीकर ब्रांड के जी जी कबाड़ में फेंक देते हैं या बेचते हैं, जी जी, और मेरी उनसे बस यही कहना है कि अगर वो सही पेपर, सही क्वाल, सही स्पर्ड और सही जानकार आदमी से रिपेयर कराएंगे तो उसमें वही क्वालिटी, नए जैसी नई जान डालेंगे। थोड़ी हमें जानकारी आप ये दीजिए कि आपके बारे में, जब हम आप आए थे तो अभी एक भाई बोल रहे थे कि आप लोग कोई भी पुराने स्पीकर चाहे जितने बेकार हो उसको आप खरीद लेते हैं, तो उसका कैसा फंडा है थोड़ा बता सकते हैं? स्पीकर जैसा भी हो उसकी क्वाइल का जो जो नाप होता है उस नाप के हिसाब से उसका रेट, जैसे कोई सैंपल आप दे सकते हैं, जैसे मेरा ये मान लो कोई भी स्पीकर 12 इंच है, कोई अपना सैंपल दे सकते हैं? ये स्पीकर रखा हुआ है, जी जी, जिसका इस समय प्रचलन बंद हो चुका है, जी जी, इसको कोई नहीं यूज कर रहा इस समय, कोई इसको यूज नहीं कर रहा, तो इसको किस हिसाब से आप खरीद लेते हैं? क्वाइल का गेज नापने के हिसाब से, एक हमारे जो है जिसे ये पूरा कम्प्लीट है, इसमें कोई टूटा फूटा नहीं है, तो इसकी कुछ मान लिया दूसरे हिसाब में इसे जैसे टूटा है, डैमेज है या छज्जा टूटा है, इस तरीके में 100 रुपए इंच के हिसाब से, 100 रुपए इंच, आप 150 रुपए इंच, 200 रुपए इंच, इस तरीके क्वालिटी के हिसाब से कॉइल नापने के बाद। ये चीज मैंने भी सुनी थी जब अभी मैं आया था, तो एक भैया बोल रहे थे, तो यहाँ का ऐसा फंडा है कि अगर आपके पास पुराने स्पीकर हैं आप परेशान हो चुके हैं, वो चाहे 20 साल का हो, स्क्रैच में बेचेंगे तोल के बिकेगा 20-30 रुपए किलो, वो भी मैग्नेट नहीं बिकेगा, इसका लोअर लेवल जी जी, ठीक है। तो इनका फंडा है कि अगर क्वालिटी अच्छी है स्पीकर की तो उस हिसाब से लेते हैं, मगर चाहे जितनी खराब क्वालिटी है तो 100 रुपए इंच, जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं कि 3 इंच की कॉइल है तो आप 300 के मालिक है, अगर चाहे जितना बेकार स्पीकर हो, पर्दा भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो ला के आप दे सकते हो, भाई खरीद लेते हैं, और अगर आप उनके स्पीकर पसंद आते हैं तो या तो आप उससे पैसा ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने अगर चाहो तो नए स्पीकर भी आपके पास मिलते हैं। स्पीकर लेना चाहे स्पीकर, पैसा लेना चाहेंगे, पैसा लेना चाहो तो पैसा ले सकते हैं आप लोग, अगर चाहे तो आप स्पीकर भी ले सकते हो उसमें माइनस करके जो भी आपके नए स्पीकर होंगे, बिल्कुल, साथ में अगर आप और भी कोई सामान आपके पास जो मिल जाए, हाँ सारी चीज मिल जाएगी हमारे, क्या क्या रखते हैं, मिल जाएगी हाइस, मिल जाएगी यानी डीजे मतलब सारा सामान, जैसे आपके पास ये मान लो कि स्पीकर के पार्ट से टूटा हुआ है, ये सब आप सिलेक्ट हैं, सब चेंज करके मिलेगा, यहाँ सारी चीजें मिलेगी। और 450 आपकी हाइस बहुत फेमस है, मैंने सुना कि आपकी जो 450 जो आप डीजे में हाइस लगाते हैं, मेरे आप डीजे देख सकते हैं पर्दे में, ये इन्हीं का डीजे, काफी सारी इनकी हाइस लगी हुई है, तो इसमें आप लोग ये हाइस के बहुत फेमस हैं, क्योंकि ये बिना प्लेट के आप हाइस बजाते हैं, एक आपका फंडा है, और कंपटीशन में सारी रात बजाते हैं फिर भी आपकी हाइस नहीं जलती, आपकी चीज में बहुत ज्यादा चर्चा चलती है फतेहपुर जिले में, तो वो किस हिसाब से आप हाइस देते हैं, मतलब जैसा कोई लेने आपके पास आए एक पेटी किस हिसाब से देते हैं कुछ अपना बताएं? 450 की जो पेटी कंप्लीट है 1100 रुपए, तो उसमें 30 के हिसाब से आप गुणा कर दीजिए जितने हाइस के आपको पेटी बनाना, तो बहुत अच्छी फंडा है, अगर आप हाइस के शौकीन है, अगर लेना चाहते हैं, अगर ले लिया तो कोई बात नहीं, अगर लेना चाहते हैं तो एक हाइस हम बजती हुई यानी कि प्लाई के अंदर पूरी कंप्लीट करके 1100 रुपया, जितने हाइस की पेटी बनवाएंगे तो 1100 गुणे, जैसे आप 10 हाइस लेना चाहते हैं तो वो 11000 रुपए की आपकी 10 हाइस की पेटी आपके बन के तैयार, वो आपको तार लगाने हैं दो आपके बजते रहेंगे, उनके अंदर क्या लगा रहे हैं क्या चीज लगा रहे हैं वो इनकी टेंशन है, और बजा के टेस्टिंग करके देते हैं। मुझे और सुनने को मिली है कि आप लीड जो बेचते हैं बहुत फेमस लीड आपकी बिकती है, तो जो भी देखे जितना भी पार्ट, थोड़ा बहुत लीड दिखा सके या आप जितना भी पार्ट मिलेगा हमारे यहाँ ब्रांड कुछ दिखा सकते हैं अगर आपके पास कुछ हो। हमारे जो संदीप भाई हैं ये लीड लगा के देते हैं क्योंकि जरूरी है, भोजन नहीं मिलेगा तो कोई भी शख्स नहीं चल सकता, अगर अच्छी लीड नहीं मिलेंगे तो अच्छे आइडिया नहीं मिल सकता है, आप भी जानते हैं चीज के लिए कोई बताने की चीजें नहीं होती, तो ये सब चीजें क्वालिटी हैं। फिर आप आइए एक बार, मौका दीजिए, अगर आप लोकल के रहने वाले हैं और दूर के भी हैं तो आप जानकारी भी ले सकते हैं, और अगर आप स्पीकर कंपटीशन के अगर स्पीकर आप बनवाना भी चाहते हैं तो भी काम करते हैं, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है। हमारे पास सुविधा बस इतने हैं, स्पीकर के मामले में कोई भी किसी ब्रांड का कंपनी का स्पीकर हो उसकी नई जान लाने के लिए आप हमसे संपर्क करें, जी जी, वो स्पीकर को हताश ना हो, ना भगाए, ना फेंके, ना बेचे, अच्छा अच्छा, उनको हमसे रिपेयर कराएं, वो बिल्कुल नए में जैसे बजेगा वैसा होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास स्पीकर है कभी वो स्पीकर को खराब ना समझें, एक अच्छे कारीगर के पास पहुंच जाता है तभी जान आएगी, जैसे कहते हैं कोई भी पेशेंट होता है चाहे उसको आप बीमार से ज्यादा बीमार कर दिया जाए या अच्छे के पास मिल गया तो वो थोड़े से में ही सही हो जाता है, तो रीजन यही होती है। अगर हम 7500 रुपए के आज के टाइम में इस स्पीकर को अगर हम, मैं तो सोच रहा था कि इसको बेचने के लिए सोच रहा था मैं कि इसको मैं जो भी मिले 2000 1500 2500
क्योंकि मेरे लिए बेकार ही थे। इतना मान लीजिए कोई भी कंपनी का स्पीकर अगर लेंगे तो वो जो है जितने का स्पीकर होगा उसकी आधी कीमत का कंपनी उसकी खरीदेगी। जी जी, उसी में जान होती। मैग्नेट छज्जा तो वही हुआ, अगर आपने पेपर कॉयल स्पाइडर कोई कंपनी का अगर कंपनी स्पीच मंगवा के डालते हैं तो आधी कीमत होगी। अच्छा अच्छा, तभी उसमें नहीं, ये चीज़ तो सभी लोग जान सकते हैं कि कोई छज्जा मैग्नेट मिलता है, मगर जो भी मजा होती है सब यही होती है। क्योंकि भाई जो हमारे संदीप भाई हैं वो उनका सिस्टम है या कैसे भी है मार्केट से लाते हैं, ब्रांड का पूरा सामान मिल जाता है, चाहे वो आपके पास आईटी सीरीज का हो, चाहे आहूजा हो, चाहे पी आई डी ओ का है, इनके पास स्पाइडर से लेके हर चीज़ मिल जाती है। तो ये वीडियो मैंने बनाया, छोटा सा वीडियो है, अब इसको छोटा तो नहीं कहूँगा क्योंकि कम से कम ये 6-7 मिनट का हो चुका है, और ये कहूँगा कि ऐसे ऐसे वीडियो अगर आप देखते रहिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो ये लाल बटन चल रहा है, इसको आप दाब दीजिए, मन हो तो दाबिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है मन ना हो तो मत दाबिए, फिर भी कोई टेंशन नहीं ना, आप लोगों को तो बस वीडियो देखिए, आप लोगों का एक अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे, और फिर एक नए वीडियो में आप लेकर बहुत जल्दी हम मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।